नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी, आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकसौर टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने ली राज्यपाल पद की शपथ, छत्तीसगढ़ के नवे राज्यपाल बने। रामावेली में वकील के सूने मकान पर चोरों ने किया हाथ साफ, 10 लाख का माल लेकर चंपत। तेजी से बढ़ रहा तापमान, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा, होली तक बढ़ जाएगी तपिश। और 11 दिव्यांग बने हमसफर, विकलांग चेतना परिषद ने कराया सामूहिक विवाह, केडिया दंपत्ति ने दिया आशीर्वाद। आइए दर्शकों, अब खबरों को देते हैं विस्तार। विश्वभूषण हरिचंदन ने गुरुवार को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के नवे राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल और भाजपा के कद्दावर नेता मौजूद रहे। गुरुवार की सुबह लगभग 11:30 बजे राजभवन में नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई गई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित रही। राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी गोप्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा और कल्याण में निरत करूंगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के अलावा मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों का परिचय देकर उनसे मुलाकात कराई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी राज्यपाल को पुष्पगुच्छ देकर उनको बधाई दी। राज्य शासन के आला अफसरों ने भी नए राज्यपाल को शुभकामनाएं प्रेषित की। लोकसौर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं होने पर गुरुवार को जिला कोटवार एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारियों के रूप में घोषित किया जाएगा, इसके लिए मालगुजारी के लिए जमीन भी मुहैया कराई जाएगी, मगर 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। जो जमीन भूमि स्वामी है, पुराना जमीन, उसको मैं भूमि स्वामी के रूप में दे दूंगा। यही 2 मांग है हम लोग का और कोई तीसरा मांग नहीं है। 4 साल हो गए वादा करके और अभी तक वो सो गए हैं, तो उसको जगाने के लिए हम उसको ये रैली निकाल करके ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं कि आप हमारे मांग को पूर्ण करिए, नहीं करने की स्थिति पे आर पार की लड़ाई होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इधर सिम्स में आयुष्मान कार्ड से विभिन्न रोगों के इलाज कराने के बाद आयुष्मान कार्ड योजना से मिले पैसों की बंदरबांट करने की खबर को संज्ञान में लेकर सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने 3 सदस्यों की जांच टीम गठित की है। टीम को 7 दिनों के भीतर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने कहा गया है। अखबारों में मैंने पढ़ा है, उसी के देखते हुए मैंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो जांच कर हमको प्रस्तुत करेगी कि क्या गलती है और क्या नहीं है। हमने बोला 7 दिन के अंदर देने के लिए। चगरभाटा के रामावेली में अज्ञात चोरों ने अधिवक्ता के निवास पर धावा बोला और अलमारी में रखे नगद और आभूषण सहित लगभग 10 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACCU की टीम और चकरभट्टा पुलिस मामले को सुलझाने में जुट गई है। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, चोरों का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। रोजाना कहीं न कहीं चोरी की घटना सामने आ रही है। चकरभट्टा के रामावैली में भी चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सुरक्षा गार्ड और CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद चोर चोरी की घटना को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। प्रार्थी देवर्षि ठाकुर पेशे से हाईकोर्ट के वकील हैं। वे परिवार सहित कांकेर गए हुए थे। 2 दिन बाद जब वे घर वापस लौटे तो देखा कि घर के ताले तो टूटे नहीं है, पर अलमारी में रखे नगद और आभूषण गायब है।
आज सवेरे पता चला कि घर का ताला यानी घर का ताला तो ठीक था, इन एक दरवाज़ा खुला हुआ है पीछे का, तो फिर आके देखा तो काफ़ी सामान चोरी हुआ है और अलमारी वगैरह पूरी खुली हुई थी और कुछ सामान जो हमारे ऑर्नामेंट्स और कैश वगैरह था वो सब चोरी हुआ है। 10 के आसपास तो होना ही चाहिए, पर काफ़ी समय के जो हमारे जो सेविंग्स थे वो सारी गई हैं उसमें। इधर चोरी की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, ASP गरिमा द्विवेदी, ACCU की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। देवर्षि ठाकुर जो पेशे से हाई कोर्ट में वकील हैं, उनके यहाँ चोरी की सूचना है। चोरी की सूचना उनके द्वारा दी जाने पर तस्दीक हेतु यहाँ ACCU की टीम और चकरभंडा थाने का स्टाफ आया हुआ है। इनके द्वारा कुल मूल्यांकन नहीं किया गया, लेकिन यह बताया जा रहा है कि काफी मात्रा में गोल्ड और नकद की चोरी हुई है। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी रामा वैली में कई मर्तबा चोरी की घटना सामने आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि चोरी की इस मामले को पुलिस कब तक सुलझा पाती है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। बिल्हा के करहीपार गांव से दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। यहां रहने वाली संगीता साहू घर में ताला लगाकर अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी, जिसका फायदा उठाते हुए चोर घर में दाखिल हुए और अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित नगद 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। महिला की रिपोर्ट पर बिल्हा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इधर चोरों की पतासाजी की जा रही है। एक और मामला इधर से, बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाते हुए नगद 60,000 रुपए पार कर दिया। जानकारी के अनुसार हेदी थाना क्षेत्र के सकरी भावर का रहने वाला शिव साहू छठी के कार्यक्रम में शामिल होने मस्तूरी गया हुआ था। प्रार्थी जब घर पहुंचा तो देखा कि ताला टूटा हुआ था और पेटी में रखे 60,000 रुपए, मार्कशीट, आधार कार्ड और खेती की जो पर्ची होती है वो नहीं थे। पीड़ित की शिकायत पर हेदी पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। बिल्हा के पेंडरवा खार में जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। इनसे ताश, पत्ती और लगभग 27,000 रुपए नगद बरामद किया है। पकड़े गए जुआरी नीरज पाल, शशि मानिकपुरी, अभिजीत महिलांगे, अजय साहू, आलोक बंजारे, मनोज दास, आदित्य वस्त्रकार, अर्पित महिलांगे, रवि साहू और महावीर डोंगरे, धमनी, जराभाटा, सिरगिट्टी, रहेंगी बिल्हा, डुड़की भाटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिल्हा पुलिस इन सभी के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। न्यायधानी में गर्मी का असर तेज होने लगा है। हफ्ते की शुरुआत से अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, वहीं रात में हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो हवा की दिशा में परिवर्तन होने लगा है, हालांकि तापमान में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मार्च में पड़ने वाली गर्मी को लेकर ऐसा लग रहा है इस साल इसकी शुरुआत फरवरी से ही हो गई है। स्थिति यह है कि दूसरा पखवाड़ा शुरू ही हुआ है कि गर्मी ने अपना असर दिखाना पहले ही चालू कर दिया है। अगर स्थिति यही रही तो लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण में इसका बुरा असर पड़ेगा। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। साल 2016 में सर्वाधिक गर्मी पड़ी थी, पारा 37.1 डिग्री दर्ज किया गया था, यानी इस रिकॉर्ड को टूटने में सिर्फ 1.9 डिग्री तापमान का अंतर है। फरवरी माह से ही लोगों ने गर्मी और तेज धूप से बचने स्कार्फ बांधना शुरू कर दिया है। वहीं मार्केट में बेर का जूस सहित गन्ना रस की बिक्री तेजी से बढ़ गई है। धूप से राहत देने वाले खाद्य और पेय पदार्थों के साथ सुरक्षा देने की सभी चीजें बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई हैं। गर्मी और उमस को शांत करने बाजार में आई ककड़ी ने भी ताव दिखाना शुरू कर दिया है। 50 से 60 रुपए किलो में यह बिक रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो होली के पहले तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है, लिहाजा चिकित्सकों ने भी गर्मी से बचने और स्वस्थ खान पान की सलाह दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों की पूरी नजर है और हमें नजर रखनी चाहिए पर्यावरण पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सिम्स में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को हुए चुनाव में प्रमोद यादव ने बाजी मारते हुए जीत दर्ज की। गौरतलब है कि सिम्स में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के लिए बुधवार को अस्पताल भवन में मतदान किया गया।
कुल 175 कर्मचारियों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 4 प्रत्याशियों को हराकर प्रमोद ने 102 मतों से विजय प्राप्त की। नवनियुक्त अध्यक्ष ने गुरुवार को अपनी टीम के साथ सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे से मुलाकात कर आगामी कार्यों और कर्मचारियों के हित में अपनी बातें रखी। कर्मचारी और संस्थान हित में ही कार्य करूंगा, उन लोग मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, उस विश्वास में मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अचानक खुदाई करने से इलाज कराने आए मरीजों को वापस लौटना पड़ा। गांधी चौक के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने नाली बनाने गुरुवार सुबह खुदाई की गई, जो शाम तक जारी था। इस दौरान ठेकेदार ने अस्पताल आने जाने वालों के लिए अस्थायी व्यवस्था नहीं किया, जिससे मरीजों और स्टाफ को दिक्कत हुई। सूचना दिए बिना नाली निर्माण के लिए खुदाई करने से दुकानदारों को परेशानी हो रही है। खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त केबल और पाइपलाइन सुधार कार्य भी किया जा रहा है, इसमें काफी समय लग सकता है। सिटी डिस्पेंसरी से पुराना हाईकोर्ट रोड किनारे चौड़ीकरण कर नए सिरे से नाली बनाया जाना है, इसमें कितना वक्त लग जाएगा ये ठेकेदार के लोग भी नहीं बता सके। खुदाई होती देख व्यापारी चिंतित हो गए हैं, इससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आने वालों को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। चक्रभाटा के वासु मंगलम में गुरुवार को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक आदिवासी समाज युवा प्रभाग के डॉक्टर वी नायक का समाज के लोगों ने स्वागत किया। समाज के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने शिक्षा पर जोर देने कहा। इस मौके पर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सी एस उइके संतोष जैन, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, मंडी अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संतोष कौशिक सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जो भी आज तक आदिवासी के लिए जो एक्ट लाया कांग्रेस पार्टी ने लाया, दूसरी तरफ बीजेपी ने आदिवासी को वनवासी बना के पीछे हटाना चाह रही है। हम आदिवासी का दर्जा इस देश में भारत संविधान के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी भी पूरे भारत यात्रा में बोलते हुए आए, 1 से 4 मीटिंग बात किए और दुख दर्द आदिवासी का कांग्रेस पार्टी समझती है। और जो भी आज तक एक्ट है, संविधान के अधिकार है, 5वीं सूची है 6वीं सूची है, सब कांग्रेस पार्टी लाई है। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी समाज जहां बहुल्य है, आरक्षित के अतिरिक्त जहां पर बहुल्य है वहां पर भी नेतृत्व मिले, पिछड़ा वर्ग जहां पर जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर भी नेतृत्व मिले, सारी बात जो है वहां पर AICC में रखने की बात कहा। आइए एक नज़र फिर से डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विश्वभूषण हरिचंदन ने ली राज्यपाल पद की शपथ, छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल बने। रामावेली में वकील के सूने मकान पर चोरों ने किया हाथ साफ, 10 लाख का माल लेकर चंपत। तेजी से बढ़ रहा तापमान, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा, होली तक बढ़ जाएगी तपिश। और 11 दिव्यांग बने हमसफर, विकलांग चेतना परिषद ने कराया सामूहिक विवाह, केडिया दंपत्ति ने दिया आशीर्वाद। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद का 25वां राज्य स्तरीय दिव्यांग युवक युवती सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। 22 और 23 फरवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्ग के दानदाता, परोपकारी, समाजसेवी और श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के केंद्रीय कार्यालय सीपत रोड कोनी बाईपास मोपका में 2 दिवसीय सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। परिषद वर्षों से मजबूर और असहाय लोगों के हित में कई तरह के जरूरी कदम उठा रहा है। विवाह योग्य युवक युवतियों के जोड़े भी बनाए जा रहे हैं और ये सिलसिला वर्षों से चला रहा है। इस बार भी यहां दिव्यांग 11 जोड़ों का विधि विधान से विवाह कराया गया। मोपका स्थित परिषद के केंद्रीय कार्यालय में 22 फरवरी को पंजीयन के बाद मेहंदी, हल्दी और संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद दूसरे दिन विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। 7 फेरे और वरमाला के बाद उन्हें आशीर्वाद देने का सिलसिला शुरू हुआ। इस बरस इस कार्य का संपूर्ण खर्च छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया और उनकी पत्नी विद्या केडिया ने उठाया। केडिया दंपत्ति ने बताया, वैसे 14 जोड़ों का पंजीयन कराया गया था, मगर निर्धारित समय पर 11 जोड़े ही विवाह के लिए मौके पर पहुंचे।
और उनकी विधि विधान से शादी कराई गई। यहाँ मौजूद दानदाताओं के सहयोग से उन्हें शादी के बाद जीवन चलाने के लिए आवश्यक घरेलू सामग्री प्रदान की गई। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद लगभग हर साल ये कार्यक्रम करते आया है। इस बार हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारे साधन से हम आपके सहयोग से करना चाहते। कार्यक्रम तो हरदम चलता ही रहेगा। 14 लोगों ने पंजीयन कराया था, किसी कारणवश 3 लोग ट्रेन के कारण, दूरी से आने वाले कारण समय पर नहीं पहुंच पाए अभी तक, तो 11 लोगों की शादी विधिवत तरीके से अभी यहां पर संपन्न हो रही है। वैसे तो मैं 2 साल से सोच रही थी, हमारी 50वीं सालगिरह आ रही है, हम करेंगे, पर जीवन भर अनित्य है तो लग रहा था एकदम समय पर करें। अब 6 महीने से हम लोग एक्टिव हुए हैं, हमको और कुछ नहीं करना, बस जितने भी विकलांग अच्छे, यहाँ हमारा नियम है कि विकलांग ही होना चाहिए। कई निर्धनों के फोन आए हैं, पर एक हो या दोनों पर एक विकलांग विवाह कर रहा हूँ, उसी के करीब आज हम बहुत बहुत अच्छा। मैं अपनी 50वीं सालगिरह को इतने अच्छे से मनाने का कभी सोची नहीं। बहुत इनको आज मैंने कहा है कि सब मेरी बेटियां हैं। इस अवसर पर शहर के तमाम दानदाता, समाजसेवी, गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विवाह के बाद नव दंपत्ति को सभी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान यहाँ सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ रिशाद अली की रिपोर्ट। पुरस्कार पाकर स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल के विद्यार्थियों के चेहरे चमक उठे। कला, संस्कृति, खेल और दूसरी गतिविधियों में 250 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम उत्साह भरे वातावरण में संपन्न किया गया। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का तनाव कम करने उन्हें विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाता है, जिससे उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। इस प्रयास का सार्थक परिणाम सामने आया जब पुरस्कार पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में उत्साह के बीच वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ। स्कूल प्रबंधन और शाला समिति के सदस्यों ने कला, संस्कृति, खेल और दूसरी जरूरी रुचिप्रद गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर मंच से उनकी प्रशंसा की। हमारी शाला में साल भर जो भी गतिविधियां होती हैं अलग अलग अवसरों पर, और शाला का वार्षिकोत्सव होता है, पुरस्कार दिवस रखे हैं बच्चों के लिए। बेस्ट बॉय का भी चयन किया है हमने, बेस्ट गर्ल का भी चयन किया है, और साल भर की गतिविधियों में बच्चों को पुरस्कृत करना है। जब मध्य प्रदेश था तब से ही ये उत्कृष्ट विद्यालय हुआ करता था। यहाँ बहुत देशी मतलब सभी प्रकार की प्रतिभाओं को उभारने वाला शाला, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे आर्ट्स का क्षेत्र हो, या कॉमर्स का क्षेत्र हो, या डांस का क्षेत्र हो, या खेलकूद का हो, किसी प्रकार इवन NCC और NSS ये भी हमारे इस स्कूल में है। और यहाँ के बच्चे लोग बहुत अच्छा अपने तरफ से परफॉर्मेंस देते हैं, और इसी विषय पर हमारे प्राचार्य महोदय और हम लोग सभी जो शाला विकास समिति के सदस्य हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उनको जो अच्छा सर्वोत्तम कर सके उन्हें पुरस्कृत कर सके। वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह छात्र छात्राओं में देखा गया, और यहाँ भी छात्राओं ने बाजी मारी, शिक्षकों ने सभी की पीठ थपथपाई। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी जिलों को गोपनीय सामग्री भिजवा दी है। बिलासपुर जिले के 131 हाई और 124 हायर सेकेंडरी स्कूलों को प्रश्न पत्रों का वितरण शुक्रवार को किया जाएगा। परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार प्रश्न पत्रों के बंडल तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले स्कूलों को कोरी उत्तर पुस्तिकाएं वितरित कर दी गई है। बुधवार 1 मार्च से बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। मंदिरों में चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार किया। जराभाटा से गिरफ्तार आरोपी विश्वजीत पाटकर के पास से पुलिस ने 1,60,000 के सामान जो है वो जब्त किया है। मंदिरों में अब ना तो चप्पल सुरक्षित है और ना ही नारियल। सिविल लाइन पुलिस ने बीती रात एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसने मंदिरों के नारियल, साउंड सिस्टम और भगवान के मुकुट के साथ ही दान पेटी को भी नहीं छोड़ा। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जरहावाटा में आरोपी विश्वजीत पाटकर चोरी का मुकुट बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना में आरोपी को पुलिस ने मुकुट के साथ गिरफ्तार किया।
थाने में हुई पूछताछ में आरोपी ने मंदिरों में चोरी करना कबूल किया। इसके अलावा आरोपी के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल सहित कई सामान भी जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1,60,000 रुपए आकी गई है। सकरी में एक शिव मंदिर है वहाँ से, और सिरगिट्टी में शनि मंदिर है वहाँ से भी इसने चोरी करना स्वीकार किया है, जहाँ से दान पेटी और अन्य सामग्री जो मंदिर की है वो सब इससे बरामद हुई है। उसके साथ ही साथ जो है वो मंदिर का जो साउंड बॉक्स सिस्टम है वो भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही अन्य सिविल लाइन सकरी, चक्रभाठा, सिरगिट्टी, यहाँ से 4 ऐसे मोटरसाइकिल और स्कूटी जब्त हुआ है जो इन लोगों ने चोरी करना बताया है। संबंधित थाना से भी जानकारी लेकर अपराध संबंधी जो विवेचना में उसको शामिल किया गया, शुमार किया जाएगा। इस तरह से लगभग 1,60,000 के आसपास की जो मशरूका है वो एक आरोपी विश्वजीत पाटकर, जो पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है, उससे बरामद किया गया है और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी विश्वजीत को पुलिस ने न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। इधर नए पुलिस अधीक्षक के आने के बाद सभी थाना प्रभारी और पुलिस का अमला काफी सतर्क है। शहर में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है और तात्कालिक रूप से कार्यवाही भी की जा रही है। खासकर गुंडे मवालियों के साथ ही अवैध रूप से बेचे जाने वाले गांजा, शराब, जुआ, सट्टा पर पुलिस की नजर है। गुरुवार को तलवार लहराकर लोगों के मन में डर पैदा करने वाले युवक गुलशन कालड़ा को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 36 वर्षीय गुलशन जूना बिलासपुर मस्जिद के पीछे तलवार लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। ये सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार्यवाही की। आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया। गोड़पारा रिवर व्यू मार्ग में नाले पर लगी लोहे की जाली जानलेवा स्थिति में पहुंच गई है। वाहनों के दबाव से भारी भरकम जाली गहरे तक दब गई है, जिससे कभी भी वाहन पलट सकता है। इस ओर से छोटे वाहनों की आवाजाही हर समय बनी रहती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। शाम होते ही सैकड़ों लोग रिवर व्यू चौपाटी पहुंचते हैं। इनमें ज्यादातर बाइक और स्कूटर पर सवार होते हैं। धस कर टूटने लगी लोहे की जाली को शीघ्र बदला जाना चाहिए। गड्ढा है और यहाँ कने कई लेडीज, बच्चे, बाइक वाइक, कार वार सब एक्सीडेंट हो जाते हैं, प्लस इसमें घिसा जाते हैं। ये क्या हो गया है, क्या लगा है ये सर? मतलब जाली है, जाली को बनाना चाहिए सरकार को। क्या हो गया है जाली? जाली चलते चलते मुड़ गया है। कहाँ कारोबार चल रहा है, बड़े बड़े काम चल रहे हैं, गाड़िया का, तो उसमें से आके धस गया, जिसमें पब्लिक को बहुत परेशानी है। आपके आसपास इस तरह की छोटी छोटी जो परेशानियां होती है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, उसे हम लोकसभा टीवी पर प्रसारित करेंगे और कोशिश करेंगे कि नगर निगम आपकी ओर ध्यान दे, सहूलियतें मुहैया कराए। तब तक आप देखते रहिए लोकसभा टीवी और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।